वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। माय नेम इज अहमद अली। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके बारे में सुन के आप बहुत मोटिवेट और इंस्पायर हो जाओगे। उनके बारे में अगर सुनोगे और उनको देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को फिट बनाना शुरू कर दोगे। फिट रहोगे तो हिट रहोगे। इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन हिट रह चुके हैं क्या अभी भी है फिट और हिट वन एंड ओनली अकबर जुन्ने। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम सलाम, खैर है अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए। वालेकुम भाई, वालेकुम। बताना चाहूँगा हमारे नाजरीन को, अकबर भाई बहुत बेहतरीन बॉडी बिल्डर है और बहुत कॉम्पिटिशन खेल चुके हैं। अकबर भाई से कुछ बॉडी बिल्डिंग के बारे में सुनेंगे, टिप्स हासिल करेंगे, कुछ वर्कआउट के बारे में जानते हैं। अकबर भाई, आप बॉडी बिल्डिंग कब से शुरू करें, कौन से ईयर से? मैं पहले तो नॉर्मली वर्कआउट स्टार्ट किया हूँ 2004 में। मैं आई थिंक स्टार्ट किया हूँ वर्कआउट। उसके बाद में थोड़ा अपने पर्सनल कामों की वजह से उतना प्रॉपर टाइम नहीं देता था, बॉडी बिल्डिंग का सोचा नहीं था। बट 2007 से मैंने कंपटीशन खेलना स्टार्ट किया है। 2007 से स्टार्ट किया है, वहाँ से फिर धीरे 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 खेल तक 2018 तक मैं कंटिन्यू किया हूँ कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे। माशाल्लाह। अकबर भाई, आप किसको देखते हैं इंस्पायर हुए बॉडी बिल्डिंग करने के लिए? जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे लोगों को देखे, किसी का ब्रेकअप हो गया बॉडी बिल्डिंग कर लेते, किसी का जो है सो पैचअप हो गया बॉडी बिल्डिंग कर लेते, किसी को देख लिया इंस्पायर हो गए भाई अकबर जुनैद कितनी अच्छी बॉडी है मैं भी बनाता हूँ बोल के जाके बना लेते, अर्नॉल को देख के इंस्पायर हो जाते। आपका क्या था, आपको बॉडी बिल्डिंग करना बोल के क्यूरियोसिटी कैसा जागी? मैं तो ऐसा किसी को फोकस रख के बॉडी बिल्डिंग का नहीं सोचा था। मैं एक्चुअली था, मेरा वेट 45-50 के आसपास में, मैं बहुत दुबला पतला था। तो मेरे को अच्छा लगता था कि मैं थोड़ा अपना वेट इंक्रीज़ करूं, जाके वेट ग्रोथ करूं, बॉडी को थोड़ा चेंज करूं, ये हिसाब से मैं वर्कआउट स्टार्ट किया था। फिर धीरे 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 जैसा जैसा मैं कॉम्पिटिशन पहले जाके देखता था कि अपना यहाँ पे हैदराबाद में हनुमान इंशाल्लाह है सुल्तान बाज़ार, वहाँ पर कुछ लोकल्स कॉम्पिटिशन होते थे तो मैं जाता था कॉम्पिटिशन देखता था, बॉडी बिल्डर्स थे। तो देखते देखते फिर मैं थोड़ा सा और थोड़ा मेरा माइंड चेंज किया कि हाँ फिर मैं भी कर सकता हूँ। मैं ऑलमोस्ट अच्छा हार्डवर्क तो करता ही था, बट फिर मैं जैसा कंपटीशन देखना स्टार्ट किया फिर मैं भी सोचा कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूं, पार्टिसिपेट करूं, तो थोड़ा मेरा वर्कआउट मैंने थोड़ा और हार्डवर्क स्टार्ट किया। माशाल्लाह। अकबर भाई, आप कितने कॉम्पिटिशन्स खेले और क्या क्या प्राइजेस मिले? कॉम्पिटिशन्स तो बहुत खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कम कॉम्पिटिशन्स में मैं खाली आया हूँ, क्योंकि खाली आना भी ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक हार भी एक ज़रूरी है। हार और जीत से दोनों का अटैचमेंट बहुत पुराने ताल्लुकात होते हैं, हारेंगे तो ही जीत के करीब जाएंगे। तो मैं जीतेंगे या तो सीखेंगे, सीखेंगे भी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है आज मैं सीखा भी हूँ और जीता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऐसे मेरे का स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं लोग को ट्रेन कर रहा हूँ, लोग को थोड़ा इंक्रेज कर रहा हूँ, तो बहुत कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ। मिस्टर तेलंगाना, ऐसा कोई आपका कोई स्पेसिफिक टाइटल जो आप? हाँ, मैं फोर टाइम्स मिस्टर इंडिया लिया हूँ। माशाल्लाह। जी हाँ, 2009 में फर्स्ट लिया, 2009, 2011, 2012 में कंटिन्यू कॉम्पिटिशन खेला हूँ। 2012-13 भी थोड़ा मैं गैप लिया था, एक 8-7 मंथ कुछ गैप लिया था। 13 से फिर मैं 15 तक कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग किया, वहाँ से 16 और 17 में थोड़ा एबसेंट था, फिर एक 18 में फिर से मैं फॉर्म पे आया, फिर 18 में भी मैं कॉम्पिटिशन खेला, ओवरऑल लिया था हैदराबाद में लोकल्स कॉम्पिटिशन बहुत ओवरऑल लिया है मैंने, तेलंगाना हैदराबाद और मिस्टर एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वो भी लिया हूँ, और बहुत सारे और कॉम्पिटिशन। माशाल्लाह। अकबर भाई, आपके एक छोटी सी चीज़, पहले के कॉम्पिटिशन में आपके कॉम्पिटिशन में बहुत सारे डिफरेंसेस है, पहले के कॉम्पिटिशन में क्या प्राइज मिलता था? आपके कॉम्पिटिशन जीते तो अच्छा प्राइज मिल जा रहा, ये मिल रहा, पहले क्या मिलता था कंपटीशन ना जीते तो? देखिए, पहले तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में एक ऐसा बहुत महंगी गेम है जो बहुत कम लोग इसको चूज़ करते हैं। तो मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था तो इतना महंगा नहीं था जो अभी जो चल रहा है, जितना महंगा हो रहा है हर चीज़, इतना कॉस्टली नहीं था बॉडी बिल्डिंग पहले। अभी बहुत महंगा हो गया है बॉडी बिल्डिंग खेलना, बहुत
बहुत बड़ी बात है खेलने के लिए, तो उसके लिए हार्डवर्क भी चाहिए आपको, क्योंकि एक से एक बॉडी बिल्डर्स अभी रेडी हो रहे हैं इंडिया में, हर स्टेज में बॉडी बिल्डिंग अभी ज़्यादा पॉपुलरिंग बढ़ रही है उसकी। प्राइस क्या मिलता था आपको? मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था तब मैं आई थिंक 30 रुपीज़ कुछ मैं ऐसा एंट्री फीस पे करता था, तब हमको मिलता कुछ नहीं था, पता एक्साइटेड रहते थे कि मैं जाऊँ बस अपना स्टेज पे जाऊँ, मैं अच्छे से अच्छा मैं अपना परफॉर्मेंस दूँ और मैं कोशिश करूँ मैं अपना 100 दूँ, तो मैं जाता था बस अपना रेडी हो जाता था सेल्फ, रेडी होने के बाद में मैं अपना 100 देता था, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चीज़ लाता था भी घर को, कभी खाली नहीं आया, हमेशा जी हाँ मैं हमेशा मेडल लाता था, हमारे मम्मी के हाथ में देता था कि अम्मी हाँ मैं गया था आज, मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बा लोग बहुत मेरे को सपोर्ट किए, थोड़ा बाबा का थोड़ा था टोकना कि भाई क्यों कर रहा है था इतना हार्ड वर्क, ये कौन कर दे, अब पुराने लोग हैं हमारे जैसे कि आपके हमारे पूरे जो पुराने पुराने फादर रहते हैं वो लोग दंगल करे हुए, अब ये नया नया निकला है इंग्लिश, थोड़ा बॉडी को थोड़ा एडिट करना खूबसूरती दिखना, पहले के दंगल में यहाँ लोग अच्छा खाते थे, रात में 4 बजे रात को उठना, अच्छा खाना खाना, फुल हेल्दी आइटम्स खाना, अभी के बॉडी बिल्डर्स में कैसे रहता, डिफरेंट डाइट रहता, जितना भी ऑयली फूड है पूरा अवॉइड करना रहता आपको, सारा बॉइल्ड पे रहना है, फाइबर आइटम्स प्रोटीन्स ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना, तो मेरे बाबा बोलते थे मेरे के भाई ये कौन सी गेम है कि बिना खाए के आप ऐसा रेडी हो रहे, तो थोड़े टाइम के बाद में उनको भी समझ में आया, मैं जा भी कहूँ कुछ ना कुछ है इसमें, कुछ ना कुछ है इसमें, तो मैं भी बड़ा ज़िद्दी था कि नहीं मैं करूँगा, बस मैं फोकस करता था कि भाई मेरे को करना है, तो बॉडी बिल्डिंग करते करते जहाँ भी कॉम्पिटिशन रहता था मैं मेरे बाबा को लेके जाता था, आते थे वो देखते थे स्टेज पे कि भाई हाँ चलो, मेरे साथ में एथलीट रहते थे एक मेरे ग्रुप में 25-30 तो रहते थे, 20-25 बॉडी बिल्डर्स रहते थे, तो उनमें से मैं थोड़ा मेरे बाबा को थोड़ा डिफरेंट दिखता था और जीतता था भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट लिए हैं मैंने, तो जब मैं स्टेज पे जब मेरे को आगे बुला के जब मेडल देते हैं जब मेरी ट्रॉफी वगैरह मिलता है तो मेरे बाबा देख के रोते थे कि भाई आँखों में आंसू आते थे उनके खुशी के, ऑडियंस के बीच में रहते थे वो, ऑडियंस के बीच में रह के ऑडियंस को देखते थे कि हाँ मेरे लड़के को इतना सपोर्ट कर रहे। अकबर भाई पहले की बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी बिल्डिंग में कुछ तो चेंजेस है, आपके हिसाब से क्या चेंजेस हो चुका है? बहुत चेंजेस है, हम जब बॉडी बिल्डिंग करते थे मैं भी इतना लॉन्ग टाइम नहीं हुआ बैठ के, 5-6 ईयर्स का डिफरेंट है, मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था ऐसे कैश प्राइज नहीं थे और इतनी फैसिलिटी नहीं थी, अभी के जो बॉडी बिल्डर्स है उन लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, अभी स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है अपने अपने आप को क्लिक करने के लिए, अभी में बॉडी बिल्डिंग महंगी हो गई है, खर्च भी वैसा होगा उसके बॉडी बिल्डर के लिए और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है कि वो उनको बहुत 100% चांसेस है आगे बढ़ने की। माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग के लिए करने के लिए ज़्यादातर लोग खाली जाके वाह 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 मारते रहते, ठुकरा के मेरा प्यार बोल के गाना लगा लेते मारते रहते, वैसा बॉडी बनेगी या डाइट के लिए? डाइट इम्पॉर्टेंट है बोलते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल डाइट इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका माइंड है, अगर कोई बंदा अगर नाइट में आपको मॉर्निंग वर्कआउट जाना है तो आपको प्रॉपर पहले जैसे नाइट में अगर मॉर्निंग उनको जाना है जिम तो वो पहले नाइट में प्रिपेयर होना है कि उनको मॉर्निंग जाके करना क्या है, क्या डाइट लेना है, आपको कब सोना है, आपको प्रॉपर अगर रेस्ट होगा तो ही आप मॉर्निंग आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छी डाइट होगी, अच्छा डाइजेशन होगा, क्योंकि बॉडी बिल्डर का डाइट 3 टाइम का नहीं होता है, कम से कम उसको 6 से 5 टाइम्स उनको मील्स लेना पड़ता है, पोस्ट वर्कआउट ब्रेकफास्ट लंच ऐसा हो जाता है वो डाइट, तो कम से कम 5 से 6 मील्स लेना ज़रूरी है, तो उसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जिम ज्वाइन करते हैं साथ ही 1 महीने में 2 महीने में अरे साहब काउंटर पे जाते हैं साहब क्या हुआ मेरी बॉडी नहीं बन रही, कुछ तो भी कही क्या तो भी बोलते साथ ही उन्हें उठा के अरे ऐसा बनती है ऐसा बने तो ऐसे ही रहते ब्रूसली बनते ये अर्नल बनना है तुम्हारा ये ले लेके जो 5 किलो का डब्बा बोलते उसके लिए वैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं नहीं अभी जो आज के जनरेशन के जो लड़के हैं जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट है तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी बनाने के लिए क्योंकि हम कुदरती को हम एडिट कर रहे हैं अपने आप के जिस्म को तो थोड़ा वक्त लगेगा अच्छा खासा भी लगेगा क्योंकि आपके ऊपर है वो कोई अगर आप अच्छे जो भी जो बुरे चीज़ें हैं जैसा कि सिगरेट है कोई भी आप गलत आइटम लेते हो खाने के लिए अपने जो जिससे भी हेल्थ ख़राब होती है तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है आप अच्छे अच्छे आइटम्स खाइए जो बॉडी के रिलेटेड होते हैं जैसा कि ड्राई फ्रूट्स हो गया टाइम पे खाइए अपना चिकन हो गया बॉइल्ड एग्स हो गए वेजिटेबल हो गया ये अपने बॉडी में नेचुरल ना अपने को बहुत अपने हेल्प करते हैं ये लोग का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बॉडी में
आप प्रॉपर डाइट लेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो ये आपकी बॉडी में धीरे 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 बॉडी में चेंजेस आने लगेगा। आप अच्छे कोच को भी आप फॉलो करिए, हर चीज़ कोच के ऊपर डिपेंड मत रखिए कि हाँ मेरे को अच्छा कोच है, तो आपके हाथ में भी था कोच आपको जिम में रहते कि जब तक आप जिम में रहेंगे आप कोच की नज़र में रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। घर जाने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी कि आपको क्या करना है, क्या डाइट लेना है, कैसा रेस्ट करना है, वो आपका काम होगा। माशाल्लाह अकबर भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो बना लेके डाल लेते हैं मेरी बॉडी ये बनी हुई है, कोई किसी से पूछा नहीं, मैं ये नहीं करा वैसा नहीं करा, ये देखो डोले शोले बन गए मेरे बोलते, तो वैसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे भी एक कोच है। बिना टीचर के कोई स्टूडेंट रहता ही नहीं है। मैं अपना ये अपना बोलता हूँ, और भी मैं बहुत लोगों को देखा हूँ वीडियोस में बोलते हैं कि भाई मैं सेल्फ आगे बढ़ा हूँ, मैं सेल्फ बॉडी बनाया हूँ, ऐसे मैसेजेस, ऐसे वीडियोस जो देखते हैं जो अभी के लड़के, ऐसे चीज़ों को आप लोग मिसगाइड करिए। हर एक स्टूडेंट का कोच होता है, मेरे भी कोच है, उनका नाम है सैयद इस्माइल, मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर है, वो भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लिए हैं, नेशनल्स भी गए हैं, बहुत सारे मेडल हासिल किए हैं। मैं उनको देख के आज बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा बढ़ा हूँ। पहले तो आया था जिम ज्वाइन किया था ताकि मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ, थोड़ा सा एक 10 किलो, एक 10-15 kg वेट थोड़ा मैं थोड़ा बढ़ा लूँ बॉडी में, ऐसे सोच के मैं जिम ज्वाइन किया था। कोई हीरो को देख के, किसी को देख के मैं ऐसा नहीं आया था जिम, बस थोड़ा सा अपने आप को मैं खूबसूरत दिखूँ, मैं इसीलिए जिम ज्वाइन हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे लोकल्स कॉम्पिटिशन खेलना स्टार्ट किया था ऐसे ही हैदराबाद में, तो मेरी मुलाकात हुई थी इस्माइल भाई से, जो मेरे कोच है, जो मेरे सर है और मेरे माँ बाप के बाद में, मैं उनको बहुत बड़ा वही दर्जा देता हूँ कि मेरे को हमेशा वो बहुत हेल्पिंग ही है और हेल्पिंग नेचर भी है। मैंने उनके हाथ में और भी लड़के ट्रेन हो रहे हैं, वो एकदम हेल्पिंग नेचर मैन है उनका, अल्लाह उनको हमेशा सेहत उम्र और उनको हर बीमारी और हर बुरे वक्त से बचाए, महफूज करे, आमीन। तो वो बॉडी बिल्डिंग में इस्माइल भाई को देख के आगे बढ़ा हूँ बस। माशाल्लाह अकबर भाई, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे चैनल पे जो भी सेलिब्रिटी आते हैं वो अपने नॉलेज के साथ एक सोशल मैसेज देते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, आपकी तरफ से एक सोशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। अभी मैं ये मैसेज ये देना चाहता हूँ, अभी जो बच्चे मतलब अभी जो लड़के हैं, अभी जो बॉडी बिल्डिंग के जो फिटनेस में जो अभी आए हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आजकल के लड़के हैं मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह तो न्यूट्रिशन तो लेना ही है, लेने के बाद में उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जैसा कि एस्ट्रॉइड है वो भी ले ले रहे हैं आप, मतलब आपका ताल्लुकात बॉडी बिल्डिंग से नहीं है फिर भी आप वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो वैसा मत करिए आप लोग, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग करना है, जिसका प्रोफेशनल बनना है वो चीज़ तो वो उनके लिए है। अब जैसा कि इंटर के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है जिसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, तो वो चीज़ पे मत जाइए। आपको कोई भी अगर वो चीज़ के बारे में बताए तो आप उसको भी मिसगाइड करिए, वो इस्तेमाल ना करिए। उसके अलावा भी आपकी नेचुरल बॉडी बनती है, ताकि आपको थोड़े दूसरे चीज़ें लेना है कि जैसा कि न्यूट्रिशन कोर्स है, आप न्यूट्रिशन ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप जेन्यून लीजिए, आप जाइए, आप अपने हाथ से परचेस करिए, अपने आप से जो सा आप आपका हर चीज़ शो करके वहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। उसके साथ में आपको डाइट भी लेना है, सारा चीज़ आपको सप्लीमेंट से नहीं होता, डाइट भी आपको प्रॉपर मैटर करता है, डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में, तो आप उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, उसको रेस्ट दीजिए, बॉडी में पानी की क्वांटिटी अच्छी रखिए, उसके साथ में आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। जिसको बॉडी बिल्डिंग ना करना हो वो स्टेरॉइड ना ले, ये मेरी एक मैसेज है। अगर उसके बारे में आप कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो मेरे को आप मेरा इंस्टाग्राम अकबर जुनेद बिल्डर पे आप मेरे को DM कर सकते हैं, और मैं भी शुक्रिया कहता हूँ हमारे अहमद भाई का, और इनका चैनल को आप लोग फॉलो करिए, बहुत अच्छे ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह हमारे जैसे सेलिब्रिटी, हम भाई है वैसे तो सेलिब्रिटी नहीं है, छोटे मोटे जो अल्लाह की तरफ से इज्जत है मिल जाती, आगे ले लिए, तो भाई को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।